हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जियास ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे कॉकरोच के बारे में। तो ये गाइस, जो कॉकरोच होता है इसका क्लास इंसेक्टा होता है, ऑर्डर इसका डिक्ट्रोप्टेरा होता है, फैमिली इसकी ब्लैटिडी होती है। तो इसका जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन बट मोर प्रोमिनेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो जो कॉकरोच होता है, तो नॉर्मली कॉकरोच को आप अपने घरों में देख सकते हैं, घरों में सब पे नॉर्मली पाया जाता है। और कॉकरोच जो होता है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो कंट्रीज़ होती हैं मेनली वहाँ पे पाया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन में तो वर्ल्ड वाइड है, मतलब कि पूरी दुनिया में पाया जाता है कॉकरोच, हर जगह पाया जाता है, इसको नॉर्मली आप देख भी सकते हैं। दे आर नॉकटर्नल एंड फाउंड टू बी प्रेजेंट इन डार्क एंड ह्यूमिड प्लेसेस सच एज स्टोर रूम्स, बेकरीज, किचन्स, बोर्ड्स, पिक्चर्स, क्रैक्स, ड्रॉन सिंक्स एक्सेट्रा। तो ऑल राउंड हम भी जानते हैं कि कॉकरोच जो होता है नॉकटर्नल हो, नॉकटर्नल मतलब होता है रात्रिचर, मतलब होता है रातों के टाइम पर ये आप इनको ज़्यादा देख सकते हैं। ये रातों के टाइम पर इनके जो हैबिटेट होता है नॉकटर्नल टाइप के होते हैं। एंड फाउंड टू बी प्रेजेंट इन डार्क एंड ह्यूमिड, डार्क जहाँ पर अंधेरा होगा, ह्यूमिड जहाँ पर नमी होगी, डार्क एंड ह्यूमिड प्लेसेस में पाए जाते हैं। अब उस प्लेसेस में जैसे कि स्टोर रूम, बेकरीज, किचन्स, सिंक्स, अब जो सिंक्स होते हैं उसके नीचे पाए जाते हैं, कई जगह पे ऐसे पाए जाते हैं नॉर्मली। इन डे लाइट, मतलब कि इन डे लाइट दे हाइड बिहाइंड कपबोर्ड्स एंड हीटिंग पाइप्स। डे लाइट के में मतलब कि दिन के समय में नॉर्मली रात्रिचर होते हैं, मतलब कि नॉकटर्नल होते हैं, मतलब कि रात में टाइम पे आपको इनको ज़्यादा देख सकते हैं। और दिन के लाइटों में ये आपको मिल जाएंगे कपबोर्ड्स के पीछे, मतलब अलमीरा के पीछे, हीटिंग पाइप्स जो होते हैं उसके पीछे। एडल्ट एंड निम्फल स्टेज बोथ कॉज डैमेज। इसकी जो एडल्ट स्टेज होती है एंड इसकी जो निम्फल स्टेज होती है बोथ जो होती है कॉज करती है डैमेज को। निम्फ स्टेज इनकी होती है जो कि लाइफ साइकिल में आती है इनके। ओके गाइस, आप ये देख सकते हैं इसकी ये निम्फ स्टेज है, मतलब कि ये एडल्ट स्टेज उसकी होती है और जो निम्फ स्टेज होती है ये दोनों ही डैमेज करती हैं। तो हम कहाँ पर थे, एडल्ट निम्फ स्टेज बोथ कॉज डैमेज। पी अमेरिकाना एक तरह की स्पीसीज है कॉकरोच की, इस कॉमनली फाउंड इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में कॉमनली फाउंड करते हैं। इट इज़ अबाउट 3.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 3.5 सेंटीमीटर ये लेंथ में होते हैं। एंड ब्राउन इन कलर और कलर में ब्राउन होते हैं। शेल फॉर डेला टाटेरा, ये भी एक स्पीसीज होती है कॉकरोच की, इस कॉमनली फाउंड इन नॉर्थन स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के नॉर्थ स्टेट में पाए जाते हैं। इट इज़ अबाउट 3 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड शाइनिंग ब्लैक इन कलर, कलर में शाइनिंग ब्लैक होते हैं। द कॉकरोचेस आर प्रोवाइडेड विद वन पेयर ऑफ वेरी लॉन्ग एंटीना विच फंक्शन एट टैक्टाइल ऑर्गन। तो जो कॉकरोचेस होते हैं इसमें क्या होता है कि एक पेयर होता है लॉन्ग एंटीना का जो कि टैक्टाइल ऑर्गन्स की तरह काम करता है। टैक्टाइल ऑर्गन्स का मतलब कि सेंसरी ऑर्गन एक तरह का इनका होता है जिसे किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। डैमेज द कॉकरोचेस टच एंड पॉल्यूट एवरी थिंग विच इज़ पैलेटेबल एंड प्रीफर टू फीड ऑन पोटैटोज, वेजिटेबल्स, ब्रेड, चॉकलेट, शुगर, हनी, फैट, ऑयल, ओल्ड डैम बुक्स, लेदर मटेरियल एक्सेट्रा। द कॉकरोचेज, जैसे कि कॉकरोच जो होते हैं वो अब टचिंग के दौरान एवरी चीज़ों को पॉल्यूट करते हैं, जो जैसे कि बहुत सारी खाने की चीज़ें होती हैं लाइक पोटैटोज, वेजिटेबल, ब्रेड, इस सबको वो टच के द्वारा पॉल्यूट कर देते हैं। और जो बुक्स होती हैं जो कि पुरानी या फिर ख़राब बुक्स होती हैं जो डैम्ड हुई रहती हैं बुक्स, उन पे अपना पॉल्यूट करते हैं। हनी, फैट, लेडर मटेरियल से तो बहुत जगह पर अपने डैमेज बहुत ज़्यादा ही डैमेज करते हैं। तो नॉर्मली कॉकरोच की बहुत सारी स्पीसीज है, जहाँ पे पी अमेरिकाना हो गया, शेलफोर्ड टैटेरा हो गया, ये स्पीसीज के बारे में हमने यहाँ पे बताया है। तो गाइस, आप ये कॉकरोच का फिगर देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कॉकरोच की ये वन पेयर ऑफ एंटीना है जो कि टैक्टाइल ऑर्गन है।
इनके विंग्स आप देख सकते हो, इनके एब्डोमेन देख सकते हो, इनके पीछे वाला जो भाग होता है इनके बॉडी का उसको एब्डोमेन कहते हैं। और ये इसका टेल बियर्ड है, इसकी टेल है, ये इसके लेग हैं, आप देख सकते हो इसके लेग हैं, एंड इसका ये हेड है, और हेड के एकदम आगे इस साइड पर ये आइज है। दे मे स्प्रेड डिजीज ट्यूबरक्लोसिस कॉलरा डिसेंट्री टाइफाइड। तो कॉकरोच जो होते हैं डिजीज स्प्रेड करते हैं, लाइक ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कॉलरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, और टाइफाइड इसमें आते हैं। नॉर्मली जितने भी डिजीज हैं पेट की डिजीज होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस होता है जो कि टीबी होता है, टीबी मतलब कि कह सकते हैं गंदगी, गंदगी से टीबी होता है। कॉलरा हो गया ये पेट की डिसीज हो गई, डिसेंट्री पेट की डिसीज हो गई, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड भी गंदे पानी उन्हीं आप मतलब कि गंदा पानी पी लिए, गंदगी से टाइफाइड भी गंदगी से होता है। ये लाइफ साइकिल, कॉकरोचेस ब्रीड कंटिन्यूसली वार्म हाउस इवन इन विंटर। जैसे कि विंटर का मौसम, जैसे कि विंटर का सीजन विंटर का है, बट हाउस वार्म है तो कॉकरोच वहाँ ब्रीड कर सकते हैं। दे लुक मोर एक्टिव इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स। जो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन होता है वहाँ पे मोर एक्टिव होते हैं। द फर्टिलाइज फीमेल ऑफ पी अमेरिकाना लेज एग विच आर इंक्लोज इन द बैक लेग स्ट्रक्चर कॉल ऊथिका। तो जो इसका फर्टिलाइज फीमेल होती है, जो कि फीमेल जो फर्टिलाइज हुई रहती है मेल के द्वारा, लाइक पी अमेरिकाना के बारे में बात करते हैं, वो एक को लेग्स करती है, लेग रहती हैं विच आर इंक्लोज इन ए बैक लेग स्ट्रक्चर, जो कि बैक लेग स्ट्रक्चर में इंक्लोज होता है, बंद होता है, जिसको हम ऊथिका कहते हैं। वन फर्टिलाइज फीमेल कैन लेग 15 to 90 कैप्सूल हैविंग 16 एग्स इन ईच कैप्सूल। कहने का मतलब ये है 15 से लेकर 90 कैप्सूल्स ये क्या करती हैं, लेग करती हैं, और एक कैप्सूल के अंदर लगभग 16 एग्स होते हैं। तो कैप्सूल कैप्सूल लाइक होता है, सैक होता है, उसके अंदर एक कैप्सूल में 16 एग्स होते हैं, और 15 से 90 ये कैप्सूल देते हैं, दे सकते हैं। आफ्टर इंटरवल ऑफ 35 to 100 डेज ऑफ लेइंग, मतलब कि अंडे देने के 35 से 100 दिनों के बाद 16 निफ्स कम आउट ऑफ ई ऊथिका कैप्सूल, जिनका बैक लेग स्ट्रक्चर है उसको हम ऊथिका कहते हैं। एक ऊथिका से 10 से 16 निम्स कम आउट बाहर आते हैं, और विच टेक 10 to 16 मंथ, जिनको 10 से 16 मंथ लगता है, एंड 13 मोल्ट्स होते हैं टू अटेन एडल्ट स्टेज। मोल्ट्स मतलब कि ये अपने शेल, जिनकी पुरानी शेल होती है, जो ओल्ड शेल होती है, इसको वो क्या शेड करते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो उसी को मोल्ट्स कहते हैं। तो अटेन एडल्ट स्टेज, कहने मतलब ये है कि एक उन्होंने दिया, एक से नीम्स निकले, नीम्स ने 10 to 16 मंथ्स लिया एडल्ट होने में। और देन द फीमेल ऑफ एस टार्टेरा लेस सिगार शेप एग्स, जो स्पीसीज है एस टार्टेरा, वो सिगार शेप एग्स देती है इन्हें बैग लेग कैप्सूल में। आफ्टर 2 डेज ऑफ लेइंग के 2-3 बाद निम्स इमर्ज आउट होता है, बाहर आता है फ्रॉम एग, बट इन विंटर में इट टेक्स अ फ्यू वीक्स, इसमें कुछ वीक्स लगते हैं। आफ्टर 1 मंथ निम्स अटेन एडल्ट स्टेज अटेन कर लेता है। तो हमने यहाँ बात की थी पी अमेरिकाना के बारे में, कि उसके एक मतलब कितने एक ये ले करते हैं, उनका शेप कैसा होता है, कितने दिन मेडल्स होते हैं। फिर हमने बात की इस टार्टेरा के बारे में, किसका जो शिगार शेप्ड होते हैं और एक देते हैं, तो एक से निम्फ होता इमर्ज आउट होता है, फिर कुछ वीक्स में अगर विंटर है तो कुछ वीक्स में फिर इससे निम्फ से एडल्ट इमर्ज आउट हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो ये इसकी एग है, एग सिर्फ 6 से 7 वीक्स के बाद निम्स से इमर्ज आउट हुआ, फिर 13 मंथ्स के बाद एट मोल्स के बाद एडल्ट यहाँ से इमर्ज आउट हो गया। तो गाइस आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।